नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हमारा वीडियो बनने जा रहा है इतिहास के एक ऐसे खूंखार शासक के ऊपर जिसके बारे में बहुत सारी बुरी कहानियां भी हैं, तो इनके बारे में बहुत सारे इतिहासकार बहुत ज्यादा तारीफें भी करते हैं। कुछ इन्हें बहुत कामयाब शासक के नाम से जानते हैं जिसने पूरे देश के अंदर कब्जा करने के बाद विदेशी ताकत और मंगोलों को घुसने नहीं दिया। वो मंगोल जिनसे पूरा संसार कांपता था, उन मंगोलों को भारत में कदम नहीं रखने दिया। जीवन भर उनसे लड़ते रहे लेकिन उनको कभी जीतने नहीं दिया। लेकिन उसी के दूसरी तरफ देखा जाए जिनसे इनकी इतिहास में बहुत बुराई होती है, वो होती है कि एक बहुत बुरे तानाशाह की तरह इन्होंने शासन किया है जिसके अंदर हजारों, लगभग 30,000 लोगों को तो एक ही बार में गाजर मूली की तरह कटवा दिया। लाशों को देखकर इन्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती थी और जहां पर भी गए इन्होंने उनको इतनी बुरी तरह कुचला, हिंदुओं को तो खासकर उनके मंदिरों को लूटा, और मंदिरों को लूटने के बाद उनके बाद से, यानी इनके शासन के बाद से पूरे अंग्रेज साम्राज्य जब ब्रिटिश एम्पायर आया हिंदुस्तान के अंदर, तब तक भारत में हिंदुओं की परिस्थिति इतनी बुरी हो चुकी थी कि उनके जीवन यापन की समस्याएं फिर बढ़ती चली गई। किसी जमाने के अंदर हिंदुस्तान एक ऐसा अमीर राज्य हुआ करता था, अमीर देश हुआ करता था, जिसे देखकर अफगान, मंगोल, ब्रिटिश, रशियन, पुर्तगाली सारे के सारे हिंदुस्तान में कब्जा करने की कोशिश करते थे। लेकिन इस शासक के बाद में सबके सपने चकनाचूर होने शुरू हो गए। इतनी बुरी तरह इन्होंने यहाँ के संसाधनों का दोहन किया। तो आज हम इसी शासक के बारे में पढ़ेंगे जिसने एक तरीके से गुलाम होते हुए भी पूरे के पूरे हिंदुस्तान पर राज्य कर लिया, और सत्ता पाने की इतनी जबरदस्त भूख थी कि अपने ही परिवार के सदस्यों को मरवाना पड़ा तब जाकर कहीं इनके हाथ में सत्ता आई। सत्ता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो आज इसी शासक की हम कुछ इनके जीवन से जुड़ी रहस्यमय कहानियों को जानेंगे ताकि हमारे जीवन में आगे इनसे संबंधित कुछ नॉलेज बढ़े और कहीं पेपर में इनसे संबंधित सवाल आए तो हम उसको लिखने में कामयाब हो सके। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल है IAS विद हरि मोहन, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप इन गिवन कॉन्टेक्ट डिटेल्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट पर आप कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। यदि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो इन गिवन नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए ताकि आपको पेन ड्राइव, सिलेबस या इनसे संबंधित बाकी जानकारियां दी जा सके। शुरुआत करते हैं भारत के नक्शे से। यहाँ पर ये भारत का नक्शा किसी टाइम पीरियड में इतना बड़ा होता था कि दोस्तों यहाँ पर कोई बंटवारा नहीं हुआ था, जैसे कि आज के दिन बंटवारा हुआ है, कोई बंटवारा नहीं था, कोई बाउंड्री या बॉर्डर नहीं हुआ करता था। तो उस समय में जो सेक्शन है ये सारा का सारा भारत का हिस्सा ही कहलाता था। अब भारत की बात की जाए तो डिवीज़न के आधार पर अफगानों से या विदेशों से जितने भी क्रू राजा आए उन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान की तरफ से भारत में एंट्री करी, और एंट्री करने के बाद जितना पॉसिबल हो सकता था अपनी ताकतों को बढ़ाना शुरू कर दिया। जितना बड़ा सेक्शन ये है, ये सारा का सारा खिलजी की टेरिटरी में आता था जिसे जीत कर वो अपना ही रूल चलाते थे। इसके बाद जो ये लाइट ग्रीन वाला सेक्शन है, जीता इसे भी जा चुका था, लेकिन इसे क्या किया जाता था, जीत कर वहीं के राजा को सौंप दिया जाता था और एक टर्म बना ली जाती थी कि भाई आप मुझे एक लमसम अमाउंट इतना देते रहेंगे साल का, तो मैं आपसे दोबारा युद्ध नहीं करूंगा। अगर आप ये युद्ध पैसा देने में कामयाब नहीं रहे तो मैं आप पर युद्ध कर दूंगा। तो ये उनकी पॉलिसी रहती थी। तो ये जो सेक्शन जीतते थे सारे पे खुद कंट्रोल नहीं कर पाते थे, तो अपने सेक्शन को जीते हुए को क्या करते थे, वहां के राजा को या अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को दे दिया जाता था।
आगे अगर इनके जीवन की बात करें तो दोस्तों खिलजी वंश के बारे में, जलालुद्दीन के बारे में तो एक बार को इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो कि इनके चाचा थे, लेकिन इनके बारे में कुछ ज्यादा सी खास इंफॉर्मेशन नहीं है कि बचपन कैसे बीता। लेकिन कहा जाता है कि बचपन से ही इनके जीवन में सत्ता को प्राप्त करने की बहुत ज्यादा क्रूर इच्छा थी, जिसके अंदर इन्होंने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा और सिर्फ हमेशा इन्हें सत्ता दिखाई देती थी। अब अगर बात किया जाए तो इनका जन्म 16वीं या 17वीं शताब्दी के आसपास हुआ है, जिसमें हाजी और दाबिर के अनुसार अलाउद्दीन जो था 34 साल का था, तब उसने मात्र 34 साल की उम्र में उसने रणथंभौर पे क्या कर दिया था, चढ़ाई कर दी थी और उसे जीत लिया था। ऐसी बहुत कम ही लड़ाई है जिसमें खिलजी की यानी अलाउद्दीन खिलजी को वापस हार का मुख देखना पड़ा, ऐसी शायद ही कोई रेयर कहानी है जिसके अंदर ये लड़े कुछ ना कुछ जीत कर जरूर आए, नहीं तो लड़ाई अगर रुकी भी तो सामने वालों का बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। अगर अंदाजे लगाए जाएं तो अलाउद्दीन का जन्म जो था 1266 से 67 के बीच में हुआ था। इसका बचपन में नाम अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, हालांकि इन्होंने अपने बहुत सारे नाम रखे थे, इन्होंने अपना नाम अलेक्जेंडर भी रखा था, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, ताकत बढ़ती गई, इन्होंने अपना नाम बदल दिया, लेकिन इनका असली नाम था अली गुरशाह। ये बड़े बेटे थे शिहाबुद्दीन के, शिहाबुद्दीन मसूद के। अब एल्डर बेटा था, तो अब अगर एल्डर खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो खिलजी डायनेस्टी के सबसे बड़े सुल्तान थे जलालुद्दीन, जिसके तीन बच्चे थे और तीन बच्चों में अलमस बेग जो था लेटर, जिसका नाम उलुग खान, ऐसे ही कुतलुग खान और एक मोहम्मद, ऐसे ऐसे नाम थे इनके। अब आगे बढ़े तो अलाउद्दीन के जीवन से रिलेटेड कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर नहीं भी है तो दो चार चीजें जान लीजिए, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहली बात, एक ऐसा क्रूर राजा था जिस पर आज तक बहुत सारी मूवी बन चुकी है, जिसमें रणवीर सिंह ने बहुत अच्छा अभिनय दिखाया है और पूरी कोशिश करी है इसके असली किरदार को दर्शाने के लिए। एक पागल शासक, एक बेईमान शासक और एक ऐसा व्यक्ति जो सदैव तानाशाह होने के बाद अंदर से डरा रहता था, और इस डर की वजह से उसने अंत में तो अपने अपनों का भी, अपने प्यारों का भी कत्ल करवा दिया था। अब इनकी जो शादी थी अपने ही चाचा के बेटे से हुई थी, अपनी ही चाचा की बेटी से शादी हुई थी, और शादी के बाद धीरे धीरे इनके जो सपने थे किस चीज के, सत्ता को पाने के, वो पूरे होते हुए नजर आने लगे। जैसे ही अलाउद्दीन जो था, जलालुद्दीन जो था, बिकेम सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान बना, अलाउद्दीन को आमिर ए तुजुक यानी कि मास्टर ऑफ सेरेमनी घोषित कर दिया गया, जबकि अलमस बेग जो था, अलमस बेग को अकबर बेग यानी मास्टर ऑफ होर्सेस बना दिया गया। धीरे धीरे दो भाई थे, दोनों भाइयों की शादी जलालुद्दीन की बेटी से हुई थी, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब जलालुद्दीन की जो शादी हुई थी, जलालुद्दीन की बेटियों की शादी दोनों भाइयों से हुई थी, एक अलमस बेग और एक अलाउद्दीन बेग। अलाउद्दीन खिलजी की शादी हुई मलिकाए जहान, जिसके बारे में कहा जाता है बहुत जिद्दी, बहुत घमंडी, एक ऐसी लड़की जिसे पूरे जीवन अलाउद्दीन खिलजी की नहीं बनी, विद्रोह इन दोनों का चलता रहा, लड़ाई झगड़ा चलता रहा, कभी शांति से इनके रिलेशंस नहीं बने, मतलब पति पत्नी वाला जीवन इनका नहीं चला, खिलजी रेवोल्यूशन से पहले की बात हो रही है। अब मैरिज की बात करें तो ये कोई शादीशुदा खुश जीवन नहीं था, ये जो जलालुद्दीन है शुरुआत में इसे, जो अलाउद्दीन है इसे पाने के लिए, जलालुद्दीन की लड़की को पाने के लिए काफी सारे एफर्ट्स उठाने पड़ते हैं, यानी कि के कहने पर कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जैसे कि शुतुरमुर्ग पकड़ के लिए आया या कुछ ऐसा जानवर ढूंढ लिया जो उसके लिए, जैसा कि आपने मूवीज में देखा होगा, तो वो करना पड़ा, जिससे जलालुद्दीन की बेटी प्रसन्न होती है और अलाउद्दीन उसे हाथ मांग लेता है। हालांकि ये एक बनावटी कहानी है, असलियत में खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी, वॉर जीत के लाया था, धीरे धीरे ताकतें बढ़ रही थी, जिससे जलालुद्दीन ने खुश होकर अपनी बेटी की शादी करी थी। हाजी और दरबारी के अनुसार अलाउद्दीन दूसरी बार मैरिज करता है मेहरू नाम की लड़की से, जो कि सिस्टर होती है मलिक संजार की, अलियास जो अल्प खान के नाम से मशहूर था। मलिकाए जहान जो थी वो ग्रेटली जो थी इन्फीरियर
फैसिनेटेड रहती थी कि उसका हस्बैंड कैसा है, शादी दूसरी कैसी कर ली। इनके बारे में एक इंसिडेंट और भी है कि एक बार की बात है ये, क्योंकि देखिए भाई उस समय के राजा महाराजा चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मल्टीपल मैरिजेस की बहुत तगड़ी प्रथा थी, मल्टीपल मैरिजेस करते रहते थे और अपने राजवंश को बढ़ाते रहते थे। तो उस परिस्थिति के अंदर एक बार अलाउद्दीन जब अपनी पहली बीवी से तो बनती नहीं थी तो दूसरी बीवी के साथ क्या कर रहा था, एक बार ऐसे ही पार्क में बैठा हुआ था। जलालुद्दीन की बेटी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसने अटैक किया तलवार से मेहरू पर अटैक किया, जिसके बदले में अलाउद्दीन ने उसे पनिश किया, सजा दी, उसकी बेइज्जती तक करी। यह बात जब अलाउद्दीन की पता चली जलालुद्दीन को, यानी कि ससुर को, यानी चचा जान कहिए या ससुर कहिए एक ही बात है, जब ससुर को पता चली तो उसने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उसे इतना भरोसा था अलाउद्दीन पर कि उसने कहा कि जो किया है सही ही किया होगा। असलियत में अलाउद्दीन जो था वो जलालुद्दीन की जो कोष थे, शाही खजाने थे, उनकी चाबी था, क्योंकि जहां भी ये जाता था बुरी तरीके से लूट लाता था, मंदिर हो जो भी गुरुद्वारा हो, खैर उस समय में गुरुद्वारे तो थे नहीं, लेकिन जो कुछ भी जहां पर भी सोना चांदी धन मिलने के आसार थे सब चीजें लूट लाता था। दोस्तों इसकी तो ऐसी आदत थी, जहां पर गया वहां पर उन राजाओं की बेटियों को उठा लाता था, राजाओं की बेटियों को तो छोड़िए कई राजाओं की तो बीवियों को उठा लाया कि भाई आपसे ये हमारे शाही हरम में रहेंगी। आंकड़ों के अनुसार कहा जाए तो सीरियस अगर नॉर्मली बात की जाए तो जो खिलजी था इसकी 4 बीवियों का इतिहास में प्रॉपर रिकॉर्ड है, लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं बहुत से इतिहासकार कि खिलजी के साथ में खिलजी का संबंध लगभग 1600 रानियों के साथ था, और 1600 रानियों के साथ इसका संबंध पाया जाता है जिसके अंदर जिसका कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ ये कहा जाता था कि जिस राज्य में गया लूटा जीता उसकी कोई ना कोई पुत्री, उसकी बीवी या कोई भी सुंदर नारी उठाकर ले आता था। तो पहली एक मेन रानी बनती थी पटरानी, बाकी सारी रानियां बन जाती थी। अलाउद्दीन जो था वो अपनी मदर इन लॉ यानी सास के साथ भी अच्छी टर्म्स में नहीं था। अलाउद्दीन की जो हरकतें थी वो उसकी सास ने पहले ही देख ली थी और उसने अपने हस्बैंड को पहले ही इन्फॉर्म किया था, यानी जलालुद्दीन को इन्फॉर्म कर दिया था अपने बिहेवियर के बारे में कि भाई खिलजी के यानी कि जलालुद्दीन की जो महत्वाकांक्षाएं हैं जरूरत से ज्यादा बढ़ रही हैं और आने वाले समय में ये तख्ता पलट कर देगा, यानी कि ये पूरे राज्य को जीत लेगा। हालांकि इस बात पर जलालुद्दीन का कहना था कि ये सिर्फ एक गुलाम है हमारा और गुलाम होने के अलावा और कुछ भी नहीं है, ये जहां से युद्ध करके लूट कर लाता है हम इसको वहां से लूट लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास शाही खजाना बढ़ रहा है, इससे अलावा कुछ नहीं। और अलाउद्दीन के बारे में ये कहा जाता था कि अलाउद्दीन धीरे धीरे उन सभी लोगों से मिलने लग गया था जो जलालुद्दीन के यानी उसके चाचा के विद्रोह में थे, लेकिन हारे गए, और जलालुद्दीन जो था उनसे सीख रहा था, ये देख रहा था कि कहीं मुझसे भी वही गलती ना हो जाए, इसीलिए वो अपनी ताकतों को मजबूत कर रहा था। अब जैसे कि गवर्नर जब बनाया गया कारा का तो यहां पर अलाउद्दीन ने पहले इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। गवर्नर जो था कारा का मलिक छज्जू ने पूरा का पूरा विद्रोह किया था, किसके खिलाफ, जलालुद्दीन के खिलाफ, लेकिन बंदे कम होने की वजह से, ताकत कम होने की वजह से, पैसा कम होने की वजह से और सेना कम होने की वजह से मलिक छज्जू हार गया। जब हारा तो ऐसी ही परिस्थितियों में इसने यहां पे कंट्रोल किया। जलालुद्दीन एक कमजोर और इनइफेक्टिव रूलर था, गवर्नर कारा का साबित कर दिया, और यहां से इसको किसको अलाउद्दीन को बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से उसके सपने पूरे होंगे, कैसे वो एक अच्छा राजा या फिर एक राजा बन सकता है, गद्दी प्राप्त कर सकता है। इधर से गवर्नर बनता है, इधर से कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाती है। कॉन्स्पिरेसी शुरू कैसे होती है कि अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अब डायरेक्टली जलालुद्दीन यानी अपने चाचा पर अटैक नहीं किया जा सकता था। डायरेक्टली अटैक करता तो भैया मारा जाता, क्योंकि उस समय में जलालुद्दीन की सेना बहुत बड़ी हुआ करती थी और जलालुद्दीन की सेना से लड़ने के लिए इसके पास इतनी क्षमता नहीं थी और कारा तो एक बहुत छोटा सा सेक्शन हुआ करता था। अब परिस्थिति क्या हुई कि अब मलिक छज्जू की सपोर्टर्स जो थे उस समय में, क्योंकि कारा का जब गवर्नर बनाया तो सारा का सारा राजकाज तो वही देख रहे थे जो मलिक छज्जू के सपोर्टर्स थे, तो उन्होंने बताया कि पैसा चाहिए,
पैसा चाहते हैं तभी जाकर पैसा पैसा और सिर्फ पैसा, ये सोच रखने के बाद अलाउद्दीन ने हिंदू किंगडम्स पर, हिंदू राज्यों पर, राजवंशों पर अटैक करना शुरू कर दिया, बुरी तरीके से तहस नहस करना शुरू कर दिया। अटैक करता था, लूट लाता था, बेरहमी से कत्लेआम करवाता था। इसको एक बात और चीजों का डर था अलाउद्दीन को कि आज मैं अगर इन्हें बेरहमी से कत्लेआम नहीं करूंगा तो कल कहीं ना कहीं मेरे राजा बनने के बाद ये मेरा विद्रोह करेंगे और मुझे ही मारने का प्रयास करेंगे, मेरे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। तो इस बात को समझते हुए बुरी तरीके से इन्हें लूटता था। 1203 के अंदर बिलसा नाम की जगह को लूटा, बहुत अमीर हुआ करता था। उसके बाद जिसके बारे में कहा जाता है, मालवा के अंदर लूट मचाई, वहां पे बुरी तरीके से इन्वेजन किया, क्योंकि वहां के राजा महाराजा, हिंदू राजाओं ने कभी अपनी क्षमता और ताकत को बढ़ाया नहीं, वे कभी भी सत्ता बढ़ाने के चक्कर में आसपास कत्लेआम नहीं करते थे। दया नाम का शब्द होता था लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता था, तो ये बुरी तरह लूटते थे। फिर उसके बाद इन्होंने देवगिरी के अंदर अटैक किया, देवगिरी में लूट मचाई। अब देवगिरी में लूट मचाई, भीलसा में लूट मचाई और धीरे धीरे इसका कॉन्फिडेंस जो था चरम सीमा पर पहुंच गया। इसने अपनी आर्मी बढ़ानी शुरू कर दी, आर्मी बढ़ानी शुरू कर दी और इतनी आर्मी धीरे धीरे बढ़ानी शुरू कर दी ताकि लड़ाई की जा सके। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता गया, अपने नीचे के जो लोग थे उनको कोई ना कोई पोस्ट देकर क्या करता गया, नवाजता गया। धीरे धीरे इसे अवध का भी गवर्नर बना दिया गया। लड़ाई बढ़ती चली गई, ये जीतता चला गया, हिंदू राजाओं को लूटता चला गया। और सबसे बड़ी बात, एक तरफ रिवेन्यू एड हो रहा था, दूसरी तरफ ये आर्मी को जोड़ता जा रहा था। फिर फाइनली इसने 1296 के अंदर देवगिरी पर फिर से अपना अटैक किया, फिर से इन द सेंस उसके राज्यों की तरफ बढ़ता जा रहा था और अब देवगिरी पर बढ़ा, यहां पर भी खूब लूट मचाई। यहां पर लूट मचाने के बाद देवगिरी के अंदर इसकी छोटी बेटी को, इसके राजा की छोटी बेटी को उठा लाया था, जिसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। धीरे धीरे सुल्तान जो था, गवर्नर जो अमीन जलालुद्दीन को पता चलने लगा कि किस प्रकार से जो अलाउद्दीन है इसकी ताकत बढ़ती जा रही है, पैसा बढ़ता जा रहा है, लूट मचाता जा रहा है। इस लूट के नाम से जलालुद्दीन को पता चलने लगा और अलाउद्दीन को वो अब समझने लग गया था, तो इसने सोचा कि अलाउद्दीन से पहले सारा खजाना वसूल करते हैं, बाद में बात करेंगे। ये जाता है उससे मिलने के लिए, मिलने के लिए जाता है तो अलाउद्दीन जो होता है मार्च, ये जलालुद्दीन जो होता है ग्वालियर की तरफ आता है। अलाउद्दीन उस समय में कारा जाता है, डायरेक्ट इससे मिलने दिल्ली नहीं आता। अब इधर से जलालुद्दीन के कान भरे जाते हैं, उसकी बीवी के थ्रू, उसके और बेटों के थ्रू और लोगों के थ्रू जलालुद्दीन को धीरे धीरे भड़काया जा रहा होता है और सत्यता बचाई जा रही होती है। अब दोनों तरफ तैयारी पूरी थी, एक तरफ अलाउद्दीन राज्य पाने के लिए पूरी तरीके से तैयार था, दूसरी तरफ जलालुद्दीन उसे लूटने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। दोनों आपस में भिड़ने को तैयार थे क्योंकि दोनों के बीच में काफी सारे षड्यंत्र चल रहे थे, इनके अपनी बुद्धि नहीं थी। लेकिन जलालुद्दीन के अपोजिट जो अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन बुद्धिमान था, अनपढ़ जरूर था लेकिन बहुत अच्छा डिप्लोमेट था। उसे पता था कि डायरेक्ट लड़ाई लड़ना या जो भी विद्रोह के अंदर हिंदू राजाओं की हार हो रही है उनके कारण क्या थे, उन कारणों पर वो बहुत ज्यादा ध्यान देता था। अब जलालुद्दीन जब ग्वालियर आया तो इन्होंने एक बहुत अच्छी चाल चली। चाल क्या चली कि किसी भी तरीके से सुल्तान को कारा बुलाया जाए, अपने पास बुलाया जाए, ताकि यहां पर आगे का कोई काम काज सोचा जाए। अब जलालुद्दीन के एडवाइजर्स जो थे इंटरसेप्ट कर रहे थे, बार बार आ रहे थे। जलालुद्दीन को था अपना पूरा भरोसा था, अपने अलाउद्दीन पर पूरा भरोसा था, इसीलिए अलाउद्दीन जो होता है बहुत बड़ी सेना लेकर अपना तैयारी में होता है। कारा पहुंचने के बाद अलाउद्दीन एक बहुत छोटी सी चाल चलता है। अलाउद्दीन सुल्तान को एक लेटर लिखता है कि क्षमा कीजिए, मैं आपके पास डायरेक्ट आने की जगह कारा आ गया, लेकिन बहुत बड़ा धनराशि ऐसा है जो मैं जीत कर लाया हूं, ये आपको मैं पेश करूंगा, आपके चरणों में डालूंगा। मतलब पूरा बटरिंग वाला लेटर लिखता है। दूसरी बात कहता है कि अगर आप मुझसे मिलने नहीं आए तो मुझे लगेगा कि विद्रोहियों ने आपके कानों में मेरे खिलाफ जहर घोल रखा है, आप मेरे पास आएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। ये बात जो थी भरोसा दिलाने के लिए अलाउद्दीन जो है अपने सगे भाई को भेजता है। अलाउद्दीन जब भेजता है सगे भाई को तो इस बात पे समझ में आ जाती है
जलालुद्दीन तक मैसेज पहुंच जाता है। जलालुद्दीन जो होता है अपनी आर्मी लेकर इससे मिलने आता है तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि अलाउद्दीन जो होता है दूर ही इसकी आर्मी को रुकवा देता है। सीधा कह देता है कि भाई जब आपस में परिवार की बात है तो आर्मी दूर रुकेगी, मैं यहां पे आगे बढ़ूंगा। यहां पर आगे सुल्तान आता है अपने चार बंदों के साथ आता है, जिसमें से दो तो उसके वजीर होते हैं, जलालुद्दीन के दो वजीर होते हैं और एक जलालुद्दीन और एक मलिक कपूर जो तोहफे के लिए लाया जाता है। कहा जाता है लूट के सामान में जब कारा पहुंचता है तो कारा पहुंचने के बाद मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद वो पर्सनली जो मीटिंग होती है उस परिस्थिति के अंदर जलालुद्दीन का सर कलम कर दिया जाता है। जलालुद्दीन का इधर से सर कलम होता है, उसके वजीरों को मार दिया जाता है और उसी बीच में मीटिंग जब होती है मलिक कफूर जो कि एक ऐसा व्यक्ति था जो बायोसेक्सुअल था, और सेम अलाउद्दीन के बारे में भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन औरतें और आदमी दोनों में इंडल्ज रहता था, मिक्स रहता था, तो उस परिस्थिति के अंदर मलिक कफूर से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। इधर से ये भाले पर जलालुद्दीन का सर पकड़ा जाता है और तैयारी कर ली जाती है कि भाई अब सब कुछ मेरा है। धीरे धीरे जब इसे दिल्ली सल्तनत पर हत्या करनी थी, मतलब कब्जा करना था, तो उस समय के अंदर जो था नदियों पर बहुत ज्यादा उफान था, यानी कि बहुत ज्यादा बाढ़ की परिस्थिति थी, नदी पार नहीं की जा सकती थी, तो इसके पास उस समय में इतनी सेना भी नहीं थी कि जाके डायरेक्ट लड़ाई लड़ सके। तो इसने फिर से क्या चाल चली, इसने क्लियर एक शोर मचा दिया कि भाई जो भी व्यक्ति अगर खिलजी की सेना में आएगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी की सेना में आएगा, उसे सैलरी दी जाएगी, बोनस दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, और बकायदा एक तरीके से कहते हैं ना कि दोनों हाथों से नोट उड़ाए सेना को इकट्ठे करने के लिए। दोनों हाथों से नोट उड़ाने वाला मतलब ये था कि भाई किसी भी तरीके से सेना बढ़े ताकि आगे बढ़ सके। तो इसने इतनी जबरदस्त टेक्निक अपनाई कि एक बार में 10 से 25 हजार की सेना जो थी इसके पास तैयार हो गई। इधर से सेना तैयार, जिन्हें लड़ना आता है नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे ये जाता है, नदी का उफान कम होता है, हाथ में भाला होता है दोस्तों इस तरीके का, जलालुद्दीन का सर होता है, सीधा राज्य के अंदर घुस जाता है और घुसने के बाद उस गद्दी पर बैठ जाता है कि अब से मैं ही नया राजा हूं, मेरे सामने जो बोलेगा उसको मार दिया जाएगा। अब जलालुद्दीन की बहुत सारे ऐसे मंत्री थे, षड्यंत्रकारी थे, जो इससे मिल चुके थे पहले ही और वो बताते रहते थे। तो अब उस परिस्थिति के अंदर धीरे धीरे राज्य मिल गया और ये लोगों को पहले साल बहुत खुश रखा। इसके बारे में कहा जाता है पहले साल इतना अच्छा डिप्लोमेट बनाइए कि क्योंकि भैया सेना अपनी तरफ करनी थी दिल्ली की, सेना के साथ साथ उन राज्यों पर भी कंट्रोल करना था, वो कमजोरियां भी जाननी थी कि जलालुद्दीन की क्या कमजोरी थी जिस वजह से उसे यहां के लोगों ने षड्यंत्र करके हटवाया। तो ये सब चीजें जानने के लिए और अपनी सेना बढ़ाने के लिए इसने आर्मी को, सल्तनत की आर्मी को बढ़ाया, हर सोल्जर को गिफ्ट दिया सैलरी के नाम पर, जैसे कहते हैं ना कि भैया तुम्हें दिवाली पर वो भी बोनस भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी। इसके बारे में कहा जाता है कि पहला साल जो था इसने इतनी जबरदस्त तरीके से मनाया कि पहले साल के अंदर इससे अच्छा कोई राजा ही नहीं था इतिहास के अंदर, कोई मर्डर नहीं, कोई ब्रूटलिटी नहीं, बस सिंपल आने दो पैसा जो भी आ रहा है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बात है, अलाउद्दीन जो था उसकी सारी अथॉरिटी को एकदम से कब्जे में नहीं ले सकता था। अलाउद्दीन जब राजा बना तो जलालुद्दीन के मरते के साथ ही बहुत सारे राज्य ऐसे थे जो ये मानने लग गए थे कि भाई जो जो जलालुद्दीन ने जीता था वे सारे के सारे राज्य ऐसे थे जो अपने आप को आजाद घोषित करने लग गए कि भैया अब हमारा तो हमारे पर कंट्रोल तो रहा नहीं और हमारी आपस की कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई, अब हम आजाद हैं। अब धीरे धीरे जो था कोष कम होने लग रहा था, इधर से राजाओं को और मंत्रियों को पैसा बढ़ रहा था, दूसरी तरफ कोष कम होने लग गया। अब
परिस्थितियां बदलने लगी, परिस्थितियां बदलने लगी। इनके बेटों ने भी कुछ जो थोड़ा बहुत उठने की कोशिश करी, अलाउद्दीन की आर्मी ने बुरी तरीके से ब्रूटली इनके बच्चों को निपटा दिया, पूरा राज्य जीत लिया। और जीतने के बाद उलुग खान को वहां पर बेसिकली कंक्वर करने के लिए भेजा और जाफर खान को और वहां का मुल्तान का राज्य भी जीत लिया जहां पर जलालुद्दीन का बेटा था। चलो जी, कहानियां यहां पर आगे बढ़ती हैं। धीरे धीरे मुल्तान के राज्यों पर जीत लगाई जाती है। मुल्तान के राज्यों के बाद अब यह बढ़ जाता है आगे की तरफ और उन राज्यों की तरफ बढ़ता जाता है जो बेसिकली जलालुद्दीन के समय के थे। इस बीच में दो घटनाएं और होती हैं। पहली घटना क्या होती है कि जब एक साल बीत जाता है, जलालुद्दीन की जो फैमिली होती है और जलालुद्दीन की फैमिली के बाद जो रिश्ते नातेदार होते हैं जो अलाउद्दीन की मदद करते हैं लड़ाई में लड़ने के लिए, या उसके परिवार वाले जो जलालुद्दीन को राज्य से हटाना चाहते थे, या वे षड्यंत्रकारी जिन्होंने जलालुद्दीन के अगेंस्ट अलाउद्दीन के साथ सपोर्ट किया था, उसने क्या किया, अब एक साल होने के बाद सबको पहचान लिया, सबकी ताकतें जान ली, सब कुछ पहचान लिया, तो अब धीरे धीरे नंबर आ चुका था उनके मरने का। जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन की ये सबसे बड़ी सोच थी कि अगर ये अपने राजा के सगे नहीं हो सकते तो ये मेरे क्या सगे होंगे, जब मेरे सगे नहीं तो इनकी आंखें फुड़वा दी, हाथी के पैरों तले इनका सर फुड़वा दिया, इन्हें बुरी तरीके से मरवा दिया, जिनको नहीं मरवाना था उनको उठा के बंद करवा दिया कि भैया तुम जीवन भर बंद रहो, बात खत्म। उनकी प्रॉपर्टी जितना अलाउद्दीन ने अपने जमाने के अंदर उन मंत्रियों को संतरियों को जिन्होंने विद्रोह किया था जलालुद्दीन के खिलाफ उनको संपत्ति दी थी, उस संपत्ति को भी सबको क्या कर दिया, कन्फिस्केट कर लिया, कब्जा कर लिया और धीरे 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 अपने नए बंदे बिठाने शुरू कर दिए। अब कहानी बढ़ती है। इस बीच में अलाउ मुलक जो था कारा के अंदर, जब अलाउद्दीन दिल्ली आ गया तो कारा के अंदर उसको बिठा दिया गया कि तुम संभालो। अब कारा के अंदर बैठा तो इधर से समय बीतने लगा और अलाउ मुलक जो था समझ गया कि भैया अभी ये राजा बन चुका है तो इससे प्यार मोहब्बत बढ़ाना जरूरी है। ये सारे अफसर, सारे हाथी, सारी संपत्ति लेकर अलाउद्दीन के पास आकर बैठ जाता है और यहां पर उसको वो सारा धन कोष दे देता है कि भैया ये तुम्हारा, तुमको मुबारक, मैं तो तुम्हारे अंडर ही नौकरी करूंगा। इन्हें कोतवाल बना दिया जाता है दिल्ली का, क्योंकि नुसरत खान जो था उस समय में काफी सारी हत्याएं और लूटपाट के नाम से धीरे धीरे बदनाम हो रहा होता है। अब बदनाम हो रहा होता है तो जाहिर सी बात है कि उसको हटाकर धीरे धीरे दूसरे राजा को बिठाया या दूसरे व्यक्ति को बिठाया जाता है। इस बीच में 1297 आ जाता है। 1297 के अंदर दोस्तों ये भारत का नक्शा है, ये देखिएगा, ये दिल्ली सल्तनत का सेक्शन मान लीजिए आप। ये सेक्शन ऐसा है जहां पर ये मंगोल जो थे ना, ये देखिए मंगोलों की लड़ाई, यहां रशिया से लड़े, यहां पर इन्वेजन किया, यहां पर इन्वेजन किया, यहां पर इन्वेजन किया, ईरान, इराक, रशिया, इसके बाद ऐसा अफगानिस्तान, कोई सेक्शन नहीं छोड़ा जो बेसिकली इन्होंने ना जीता हो, बेसिकली ना जीता हो। जब हिंदुस्तान के अंदर ये घुसने लगे ना मंगोल, मंगोलों को हिंदुस्तान में घुसने ही नहीं दिया। ये देखिए यहां पर ज्यादा हिस्सा नहीं है मंगोलों का। कहा जाता है कि अगर उस समय के अंदर खिलजी नहीं होता और खिलजी की इतनी बड़ी सेना नहीं होती उस समय की, तो मंगोलों से लड़ने के लिए राजपूतों, क्षत्रियों और हिंदू राजाओं में इतनी क्षमता थी ही नहीं कि वो किसी भी प्रकार से मंगोलों का सामना कर सके। मंगोल बहुत ब्रूटल लोग होते थे, ब्रूटली इनको जहां भी घुसते थे ये किसी को नहीं छोड़ते थे, बच्चों तक की हत्या करवा देते थे। हालांकि खिलजी ने भी आगे, अलाउद्दीन खिलजी ने भी आगे यही किया, बच्चों की औरतों तक की हत्याएं करवाई, लेकिन इन अलाउद्दीन ने तो डरते हुए करवाई थी। ये मंगोलिये तो घुसते थे, ये तो बेसिकली मारने के लिए ही घुसते थे भाई, मारते थे, बुरी तरीके से निपटाते थे। और इसके बारे में कहा जाता है कि उस समय में ब्रिटेन और ऐसे राज्य भी थे जो डरते थे कहीं मंगोलियों का अटैक ना हो जाए। तो मंगोलियों का शासन इतना जबरदस्त था कि ये देखिए कि ये जो पूरा का पूरा आपको कलर्ड मैप दिख रहा है, ये सेक्शन छोड़ दीजिए, ये वाला सेक्शन छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, ये जो कलर्ड मैप दिख रहा है ये सारा मंगोलियों का था। मंगोल जो थे पूरे के पूरे संसार पर कंट्रोल कर चुके थे लगभग, तो 1306 के अंदर इनकी क्षमता और बढ़ गई थी। खैर, इधर से लड़ाई लड़ते गए, मंगोलों से लड़ाई लड़ी 6 फरवरी 1298 को। मंगोलों से जब लड़ाई लड़ी तो सबसे बड़ी चीज ये कि यहां से इन्हें लूटने को कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि वे अपने साथ कोई धन संपत्ति नहीं लाते थे,
सिर्फ सेना लाते थे, उनके खाद्य पदार्थ लाते थे, लड़ते थे, भिड़ते थे और वापस चले जाते थे। मंगोलों के ऊपर या मंगोलों ने हिंदुस्तान पर कम से कम 7 बार आक्रमण करके घुसने का प्रयास किया, पूरे 7 बार। लेकिन जितनी बार भी प्रैक्टिस हुई, जितनी बार भी कोशिश हुई, उतनी बार अलाउद्दीन खिलजी की फौज ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों ये कहना एग्जैक्टली गलत होगा कि अलाउद्दीन की खिलजी की जो आर्मी थी, अलाउद्दीन खिलजी मंगोलियों से जीत गया था, जीता नहीं था, ये बात याद रखिएगा। इतिहास में कहीं नहीं लिखा कि मंगोलियों से अलाउद्दीन खिलजी जीता था। अलाउद्दीन खिलजी उन्हें सिर्फ हिंदुस्तान के बॉर्डर तक खदेड़ने में या रोके रखने में कामयाब हुआ, कामयाब सिर्फ रोके रखने में हुआ, जिसके बाद मंगोलियों की हिम्मत खत्म हो गई और उन्होंने जल्द ही दोबारा हिंदुस्तान की तरफ रुख नहीं बदला। लेकिन यह कहना गलत होगा कि जीता था। धीरे धीरे अब समय बदलने लगा। 1298 के बाद जिन राजाओं ने अपने आप को आजाद घोषित करने की कोशिश करी थी कि भाई हम आजाद हैं, उन पर दोबारा से अटैक होने लगा और सीधी की सीधी बात, भैया हमें लूट मचानी है, पैसा चाहिए, या तो साल लाना, मुझे पैसा दो, नहीं तो मैं तुम्हें जीत लूंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो शुरुआत गुजरात से होती है, गुजरात में लूट मचाया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के मंदिरों को लूटा जाता था, शहरों को लूटा जाता था, सोमनाथ तक को नहीं छोड़ा, यहाँ की मूर्तियों को पिघलाया जाता था, चोरी कर ली जाती थी। ऐसे ही चोरी भी नहीं, ताकत है भाई, जीत गया तो जीतने के बाद लूटने का इनको अधिकार समझते थे तो ये लूट लेते थे। ऐसे ही रणथंबोर, जलोर, जलोर के बाद धीरे 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 चित्तौड़ तक पहुंच गए, और चित्तौड़ तक पहुंचने के भी कुछ रीजंस हैं। अब क्या था, यहां तक जीतते चले गए, 1301 तक इन्होंने पूरा का पूरा हर वो राजा भी जीत लिया जो जलालुद्दीन के कब्जे में था, और उनसे दोबारा से वही संधियां हो गई कि तुम हमें पैसा देते रहो, जीवित रहोगे, पैसा नहीं दोगे मार दिए जाओगे। सबसे बड़ी चीज क्या थी कि खिलजी की सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी, खिलजी जानता था कि अगर ये आस पड़ोस के जो राजा हैं, अगर ये हमारे दबाव में जीते रहे या हमारे कदमों के नीचे पड़े रहे, तब तक ये खुद भी सुरक्षित हैं। अगर ये उन्हें लूट लेता तो इतनी बड़ी सल्तनत को संभाल पाना इम्पॉसिबल था। इसीलिए उनको जीतता था और उन्हीं से संधि कर लेता था और वहां पे धीरे धीरे पैसा वसूल करता रहता था। अब 1301 का समय था, 1301 या 2 के समय के आसपास अब क्या हुआ कि चित्तौड़ के कुछ ऐसे लोग थे जो वहां के राजा से, उस समय के राजा से खुश नहीं थे, तो उन्होंने जाकर अलाउद्दीन खिलजी को जाकर पद्मावती की सुंदरता के बारे में व्याख्यान किया। अब रतन सिंह की जो बीवी थी पद्मावती, उसकी सुंदरता का जाके व्याख्यान किया। हालांकि रतन सिंह कोई ज्यादा बड़ा चित्तौड़ कोई ज्यादा बड़ा शासन नहीं था, कोई ज्यादा बड़ा रूल नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि जब तक ये अंदर किले के थे, इनसे जीत पाना इम्पॉसिबल था। रतन सिंह जो थे अपनी बीवी से ऑब्वियसली प्रेम करते थे, एक ही बीवी थी भाई उस समय के अंदर, उससे पहले वाली बीवी थी, इतने अच्छे संबंध नहीं थे इनके भी। तो पद्मावती की सुंदरता का व्याख्यान हुआ और उसकी सुंदरता के व्याख्यान के बाद तो भाई षड्यंत्रकारियों ने तो बता दिया, जलालुद्दीन या अलाउद्दीन जो था वो पागल हो गया उसकी सुंदरता को लेके, बस उसे देखना चाहता था। इस बीच में वैसे भी अलाउद्दीन की मानना ये था कि भाई अपने परिवार के लोग ज्यादा होंगे तो ही वो अपने साम्राज्य को बढ़ा सकता है, तो साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा विवाह करना इनकी मजबूरी भी थी कि साम्राज्य इतना बड़ा संभालने के लिए ज्यादा पुत्र होंगे तभी संभल पाएगा। तो उस समय के जो चित्तौड़ के राजा थे पद्मावती की इनकी सुंदरता का व्याख्यान हुआ, कहा जाता है उसकी झलक पाने के लिए ये पागल हो चुके थे, इतनी बुरी तरह पागल थे कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या चाहिए, बार बार कोशिश करी उसे पाने की, प्रेम मोहब्बत से पाने की, लड़ाई झगड़े से पाने की, जबरदस्ती उठाने के लिए। तो उस परिस्थिति में इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी, तब रिक्वेस्ट के नाम पर दोस्तों पहली बार पद्मावती ने शीशे में झलक दिखाई थी। हालांकि चित्तौड़ को इन्होंने जितनी बुरी तरह लूटा, 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम करा दिया, रतन सिंह इतने स्ट्रांग राजा नहीं थे, उन्हें मारवा दिया गया या मार दिया गया युद्ध के अंदर, अलाउद्दीन से डायरेक्ट लड़ाई हुई थी, मारे गए। अलाउद्दीन को पहली बार शीशे में झलक दिखी पद्मावती की,
बहुत ज्यादा सुंदर थी। कहते हैं कि इतनी सुंदर नारी उसने कभी जीवन में नहीं देखी होती, तो बस उसके लिए पागल हो जाता, उसे लूटना चाहता था, उसे बेसिकली उसके राज्य में घुसना चाहता था। इधर से ये अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह की हत्या करी। भाई रतन सिंह हार गए थे, हालांकि इतिहास में रतन सिंह वैसे भी बहुत अच्छे राजा थे और पद्मावती बहुत बड़ी एक देवी की तरह पूजा की जाती है, जिसने रतन सिंह की हत्या के बाद किले के दरवाजे तो कर दिए बंद, और किले के दरवाजे बंद करके जितनी भी रानियां थी, जिन जिनकी पति बेसिकली खत्म हो गए थे, उन्होंने जलती आग में दोस्तों जौहर कर लिया। जौहर ये बेसिकली हिंदुस्तान की नारियां ही कर सकती हैं कि अपने पति के मरणोपरांत सती हो गई, सती इन द सेंस जीते जी अपने प्राण त्याग दिए, आग में कूद गई और सोच लिया था कि खिलजी को सिर्फ राख ही मिलेगी और कुछ नहीं। खिलजी इधर से खत्म होने की कोशिश हो जाती है, बहुत दुखी होता, बहुत परेशान होता है, और इतना परेशान होता है कि उसके बारे में कोई ज्यादा सी बातें समझ में नहीं आती। खिलजी उसे पाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करता है, हालांकि इतिहास के पन्नों में यह काला दिवस भी माना जाता है, जिसके अंदर रानी पद्मावती को जौहर करना पड़ता है, अपनी आबरू बचाने के लिए जीते जी आग में कूदना पड़ता है। इसके बाद समय परिवर्तित होता है, लूट खसोट की जो नीति थी वो बढ़ती जाती है, लूट खसोट की नीति बढ़ती जाती है 1308 के अंदर। अब जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, मलिक कफूर पर ही इन्हें भरोसा रह जाता है, क्योंकि इधर से अलाउद्दीन की उम्र बढ़ने लगती है, इसमें काफी बीमारियां भी लगने लगती हैं, और बीमारियों के साथ साथ ये धीरे धीरे बूढ़ा भी होने लगता है। अब इधर क्या होता है, जैसे जैसे ये राज्य में खुद लड़ना कम कर देता है, अपने सबसे बढ़िया व्यक्ति मलिक कफूर को लड़ने के लिए भेजता है। दोबारा से देवगिरी के अंदर अटैक किया जाता है, जो रामचंद्र होते हैं दोबारा इनसे हार जाते हैं, हारने के बाद दोबारा से इनसे वही परिस्थितियां अपनाई जाती हैं। यहां पर देवगिरी के अंदर जब अटैक किया जाता है, तो यहीं पर ही इनकी बेटी को उठा लाया जाता है। उनकी बेटी के बाद धीरे धीरे आगे जहां भी लड़ते गए यही करते गए। इसके बाद फिर से मलिक कफूर जो होता है आगे बढ़ता जाता है पांड्या किंगडम की तरफ, और वहां पे भी सेवरल रेड करता है, वहां पर अपना हेडक्वार्टर बना लेता है, वहां पर भी बुरी तरीके से लूटा जाता है, हाथी घोड़े उठा लिए जाते हैं, सब कुछ चोरी हो जाता है। इधर से अब बड़ी चीज और सुनने लायक है, अलाउद्दीन बूढ़ा हो रहा है, मलिक कफूर ताकतवर हो रहा है। मलिक कफूर का वही वाला हाल जिस समय में जलालुद्दीन और अलाउद्दीन का हाल था। अलाउद्दीन जो था कमजोर हो रहा है, मलिक कफूर बढ़ रहा है, लेकिन दोनों में प्रेम बहुत है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन जो था इनके साथ पूरे प्रेम संबंध करता था, और उस समय के अंदर भी मैं खुलकर तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन सत्यता यही थी कि वो उस समय में दोनों एक दूसरे से प्रेम में पागल थे। ठीक है, मंगोलों से लड़ाई लड़ते जा रहे थे, इधर अलाउद्दीन ने ऑर्डर दिया कि दिल्ली पर भी अपना एग्जीक्यूट किया जाए, आगे बढ़ा जाए। इस बीच में कॉन्स्पिरेसी पाई गई कि अलाउद्दीन के जो लोग थे मंगोल लीडर से प्लॉट कर रहे थे अलाउद्दीन को मारने के लिए। अलाउद्दीन ने ऑर्डर दिया कि भैया जाइए मारना शुरू कर दीजिए, तो 20-30 हजार मंगोलों को भी काटा गया, 20-30 हजार हिंदू मारे गए, 20-30 हजार मंगोल काटे गए। अब आगे समय बदलता जाता है, बूढ़ा होता जाता है, और अलाउद्दीन के आखिर के दिन आ जाते हैं। अब अलाउद्दीन का खुद का दिमाग काम करना बंद कर देता है, इधर से अलाउद्दीन और मलिक कफूर के संबंध बढ़ते जाते हैं, और अब दो बातें आती हैं। एक तरफ मलिक कफूर जिसको कहता है अलाउद्दीन उसको मरवाने का ऑर्डर दे देता है, इस बीच में काफी सारे इसके अपने सगे संबंधी थे जिनको अलाउद्दीन मरवा देता है। अलाउद्दीन इधर अपने लोगों को मरवाता है, दूसरी तरफ मलिक कफूर जो था ताकत बढ़ती जाती है। लेकिन मलिक कफूर गुलाम था, कोई पारिवारिक संबंध नहीं थे, कोई भी आगे उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो ज्यादा आगे तक वो नहीं उड़ान भर पाया। उसने क्या किया, कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया, सारी की सारी शक्तियां अब अपने हाथ में लेनी शुरू कर दी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि षड्यंत्र के अंदर उसे मारा जा सकता है। अलाउद्दीन ने इस बीच में काफी सारे जो शासन चलाने वाले वजीर थे उनको भी हत्या करवानी शुरू कर दी, उनको भी मरवाना शुरू कर दिया। इस बीच में जितने भी वजीर
वीर थे वो डर के साए में जी रहे थे कि कब वो जाकर हमारी हत्या कर दे। इसी को ही दोस्तों पर्ज कहते हैं। पर्ज का मतलब डर के अंदर अपने ही सगे संबंधियों की हत्या करना शुरू कर देना। इसी बीच में अलाउद्दीन का जो बड़ा बेटा था खीजर खान शादी खान ब्लाइंड कर दिए जाते हैं, अंधे कर दिए जाते हैं, क्योंकि सत्ता बहुत बुरी चीज होती है भैया। और जिस तरीके से अलाउद्दीन खुद ही राज्य प्राप्त किए बैठा था तो डर तो अंदर तक सताएगा ना, जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात है। षड्यंत्र किया जाता है अलाउद्दीन को मारने का। अब 1316 के अंदर अलाउद्दीन की मौत हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं मलिक कफूर इन्हें मार देता है, कुछ लोग कहते हैं इनकी हत्या बीमारी की वजह से होती है। अब अलाउद्दीन का जो बड़ा बेटा था मुबारक खान पूरी की पूरी सत्ता हासिल कर लेता है, और कहा जाता है कि ये मलिक कफूर को भी मरवा देता है कुछ टाइम पीरियड बाद मलिक कफूर को मरवा देता है, क्योंकि मलिक कफूर उस समय में सत्ता में सबसे स्ट्रांग होता है, और सबसे स्ट्रांग होने की वजह से इन्हें भी डर वही होता है कि कहीं हमें ना मरवा दिया जाए। तो सारी की सारी ताकत जो थी कंट्रोल कर ली जाती है। इधर से मलिक कफूर का एंड हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का एंड हो जाता है, और यहां पर अब कहानी में आते हैं उसके राज्यकाल की कुछ कथाएं। अलाउद्दीन जो था एक बहुत बुद्धिमान शासक भी था, क्योंकि उसकी तीन पॉलिसी थी क्या कि भाई विद्रोह वही व्यक्ति कर पाएगा, अलाउद्दीन खिलजी का तख्ता पलट वही कर पाएगा जिसके पास पैसा होगा ताकत होगी। इसीलिए अलाउद्दीन क्या करता था, सबको ही गरीब रखता था, किसी को अमीर बनने ही नहीं देता था। सबकी जमीनें पैसा सब कुछ ताकत फौज लिमिटेड सेक्शन छोड़ता था, अदरवाइज रिवेन्यू के नाम पर सब छीन लेता था। हिंदुओं पर तो मंदिरों पर भी बेसिकली बहुत क्रूर बेसिकली टैक्स लगाए गए कि यदि तुम्हें किसी भी अच्छी यात्रा पर जाना है तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। इस बीच के अंदर बहुत सारे इन्वेजन हुए, उनको कुचला गया, आर्मियों को कमजोर किया गया, और अंदर ही अंदर अपने लोगों को भी बहुत जबरदस्त तरीके से लूटा गया। इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छे अपने शासक जरूर थे, लेकिन इन्होंने कभी भी आर्मी के अलावा और कुछ नहीं सोचा। इन्होंने सारी पावर अपने हाथ में सेंट्रलाइज कर ली और सारी की सारी मिलिट्री को बढ़ाते चले गए, क्योंकि उस समय में या दो ही चीज होती थी, या तो मिलिट्री ने मार देगी या अंदर के बंदे मार देंगे। तो मिलिट्री को स्ट्रांग किया, सारी पावर अपने हाथ में रखी। दूसरी चीज क्या थी कि अंदर ही अंदर उन लोगों को भी राजाओं को भी कमजोर करते चले गए जो इनका विद्रोह कर सकते थे। शेरशाह सूरी और अकबर जैसे राजाओं के साथ इसका भी नाम आने लग गया, इतने महान सक्सेसर थे। इन्होंने कभी भी दोस्तों इनकी बात करें तो इन्होंने कभी भी हार का मुख नहीं देखा, पूरे जीवन काल में लड़ते रहे, कभी मंगोलों से कभी अपने राजपूत राजाओं से। ये चैन का जीवन नहीं जी पाए, क्योंकि इनका जो डर था कि कहीं मेरा शासन काल ना छिल जाए, इस वजह से ये हमेशा ही लड़ते रहे। आर्मी जो थी बहुत स्ट्रांग थी, 470,000 हॉर्समैन थे अकॉर्डिंग टू फेरिश्ता, जो कि इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने बताया कि आर्मी को बहुत स्ट्रांग किया। आर्मी इतनी बड़ी थी कि सबको बड़ी सैलरी देना नहीं पॉसिबल था, इसलिए इन्होंने सैलरीज कम थी। अब सैलरीज कम दी तो आर्मी विद्रोह कर सकती थी, क्योंकि कम सैलरी में गुजारा चलाना मुश्किल था। इसीलिए इन्होंने महंगाई को कम कर दिया। भाई इन्होंने क्या किया, रेट बढ़ने बंद कर दिए, सीधा कहा कि रेट नहीं बढ़ेंगे, जो रेट डिसाइड कर दिया वही रेट रहेगा, जिससे आर्मी कम पैसे में भी गुजारा अच्छा कर सके, और अगर सामान कम पड़े तो लूट लाओ आजू बाजू से। इनका ये एक पॉलिसी थी। तो मिलिट्री के अंदर भी बहुत सारे रिफॉर्म करे, सारी ताकत अपने पास रखी, हाथी घोड़े ऊंट बढ़ाए गए, उनके बेसिकली खान पान का ख्याल रखा गया, लैंड रिफॉर्म्स किए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा इनको अच्छी फसल मिल सके। हाँ, बाकी इन्होंने अपने डर की वजह से दोस्तों काफी सारे जासूसों का भी गठन कर रखा था। जासूस जो बनाए जाते थे वो साधारण वेश के अंदर घूमते रहते थे। इनका मानना था कि जासूस जो होंगे वो इनके देश में होने वाले सभी षड्यंत्रों की जानकारी इनको देते रहेंगे, और जैसे ही जरा सी कोई नॉर्मल रोड पर बात भी करता हुआ दिखता था उसका रोड पर ही कत्लेआम करवा दिया जाता था, ताकि बाकी जो लोग हैं वो डरकर ऐसा सपना भी ना ले। तो ऐसा इनका एडमिनिस्ट्रेशन रहा था, जिसके अंदर बहुत जबरदस्त पकड़ थी इनकी। रोड पर बेसिकली जनता के बीच में प्यार नहीं था जनता से, लेकिन जनता में इतना भय था
की जनता इनके नाम से कांपती थी। सामाजिक बदलाव की बात करें तो ज्यादा से सोशल रिफॉर्म्स नहीं किए इन्होंने, कोई एजुकेशन को ध्यान नहीं दिया बेसिकली इन्होंने, इन्होंने सिंपल राज्यों को बोला जिसने एजुकेशन बढ़वानी है बढ़वाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें पैसा मिलता रहे, हमें टैक्स मिलता रहे, तुम्हें जो करना है करो। यानी बाकी राजाओं को पैसा देने तक का ही मतलब था, बाकी कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं। और इतना कमजोर कर चुका था कि उनमें विद्रोह करने की क्षमता नहीं थी। इधर इसने क्या किया, सभी नशीले पदार्थों को बैन कर दिया। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी खुद शराब का बहुत बड़ा शौकीन था, उसके लिए शराब आती रहती थी और इस बीच में कालाबाजारी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अलाउद्दीन का मानना था कि शराब अगर बैन होगी, शराब नहीं होगी, तो लोग विद्रोह नहीं करेंगे, पी के भटकेंगे नहीं, जबरदस्ती की कंपनियां नहीं जोड़ेंगे। जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में शराब बंद हुई, लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना कम कर दिया, फोनों पे बात करनी शुरू कर दी। सेम ऐसा ही था कि पैसा नहीं होने की वजह से या शराब ना होने की वजह से लोगों का जुड़ना हो गया बंद, बातें करनी बंद करवा दी, धीरे धीरे ग्रुपबाजी कम करवा दी, इवन दैट इन्होंने वैश्यावृत्ति भी खत्म करा दी, क्योंकि वैश्यावृत्ति के अंदर ज्यादातर लोग इंडल्ज रहेंगे या गलत आदतों में रहेंगे तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। इन्होंने उन वैश्याओं का भी जबरन विवाह करा दिया, जबरन कहीं ना कहीं विवाह करा दिया, और उनको भी पैसा दिया जाने लगा। आर्मी के भी ग्रेड्स बना दिए, उनकी फीसेस, उनकी सैलरीज, सब कुछ प्रोस्टिट्यूट्स की सबकी सैलरीज बकायदा देते गए। ये नियम इनके बहुत सख्त थे, अगर जो पकड़ा जाता था विद्रोह करता हुआ, एडल्ट्री करता हुआ या हरकतें करता हुआ, उसको मौत की सजा मिलती थी। सिंपल सी बात, और मौत भी ऐसे नहीं होती थी, शरिया कानून के अंदर पत्थर मरवाए जाते थे कि जब तक पत्थर मारो तब तक ये मर नहीं जाता, तो ऐसी परिस्थिति में बहुत बुरी मौत देते थे। ये बेसिकली जो अपने होते हैं ना हाथ देखने वाले, पंचांग देखने वाले तांत्रिक ओझा बाबा, इनका भी बड़ा विद्रोह करते थे। इन्होंने कभी भी अपने राज्य के अंदर रूल करने के अंदर बेसिकली शरिया कानून या मुस्लिम लॉ बोर्ड टाइप की चीजों को नहीं आने दिया। इनका मान, क्योंकि खुद भी पढ़े लिखे नहीं थे, तो जब पढ़े लिखे नहीं थे तो इनका एक ही चीज का मानना था कि भाई जो मेरा सही लगेगा वो मैं करूंगा, इसमें धर्म को बीच में नहीं लाना है, क्योंकि ये इतना खुद भी उसको फॉलो नहीं करते थे। मार्केट के अंदर रिफॉर्म क्या थे कि इन्होंने कभी भी वैरायटी के प्राइस बढ़ने ही नहीं दिए, प्राइस बढ़ने ही नहीं दिए, उतने ही प्राइस रखे जाते थे जिससे इसकी आर्मी खाना खा सके। कम सैलरी दी जाती थी तो कम सैलरी में भैया सारी चीजें मिलना अवेलेबल करना जरूरी था, इसीलिए हिंदुओं को प्रॉफिट ना हो जाए, ये भी एक दूसरा सेक्शन था। इनका मानना यह था कि हिंदुओं को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, हिंदू कभी उसके सगे नहीं बन सकते, क्योंकि उनमें शुरू से आजादी की बहुत ताकत है, वो जिएंगे तो अपनी मर्जी से जिएंगे। इसीलिए हिंदुओं को बुरी तरह कुचला जाता था और उनको प्रॉफिट नहीं प्राप्त हो इसीलिए रेट नहीं बढ़ने दिए जाते थे। बाकी तो मैं बता चुका हूं कि जासूस रखे जाते थे हर जगह ताकि कंट्रोल रहे, तो मार्केट पर भी इनका बहुत तगड़ा कंट्रोल था। अब लास्ट आता है सेक्शन इनकी पर्सनल लाइफ का। पर्सनल लाइफ में भाई सबसे पहले इनकी शादी होती है मलिकाए जहान, जो कि बेटी होती है जलालुद्दीन की, लेकिन उस समय में भी अलाउद्दीन के बहुत ज्यादा महिलाओं के साथ संबंध होते थे। ये बात जो मलिकाए जहान थी उन्हें पता चल गई थी, जिस वजह से उन्होंने अलाउद्दीन के साथ कभी अच्छे पति पत्नी वाले संबंध नहीं रखे। उसके बाद दूसरी शादी हुई अल्प खान की बहन मेहरू से, जिस पर जलालुद्दीन की बेटी ने क्या किया था, तलवार से हत्या करने की कोशिश करी थी। इसके बाद इन्होंने, मैंने बताया था कि रामचंद्र जी की बेटी को उठा लाए थे जिसका नाम था झत्यपल्ली, जत्यापल्ली नाम था उसका, उसको उठा लाए थे, तब उठाकर लाए थे जब उसे बेसिकली युद्ध में हरा दिया था, और कारा लेकर गए थे उधर, वहां पर कारा लेकर गए थे, और कारा से ही इनके साथ विवाह हुआ, और इनके साथ आगे इनको एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था शिहाबुद्दीन उमर, जो आगे जीतता है और खिलजी का रूलर बनता है। अलाउद्दीन कमला देवी को भी जीत लेता है, जो कि पहले ही विवाहित होती है, क्वीन बनती है और बाद में इनके साथ रहने लगती है। कहा जाता है कि कमला देवी ने अपने राजाओं को, अपनी बेटी को भी यहां पर बुलवा लिया था, क्योंकि वहां के जो लोग थे उसको तंग करने की परिस्थिति में थे, और उस परिस्थिति में अलाउद्दीन ने उसकी बेटी को वहां पर बुलवा लिया। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, डीप इमोशनल जो कनेक्शन से वो मलिक गफूर के साथ बढ़ने लगे। मलिक गफूर जो था, बताया मैंने, कारा के अंदर दिया गया एक तोहफा था जिसे
हर तरीके से अलाउद्दीन को इस्तेमाल करना आता था, और अलाउद्दीन ने पहली बार इसी को ऑर्डर दिया। जब जलालुद्दीन उससे मिलने कारा गया तो वहीं पर इसके वजीरों की हत्या इसी मलिक गफूर ने करी थी। मलिक गफूर एक ऐसा पागल, एक ऐसा सनकी व्यक्ति था जो खिलजी के कहने पर कुछ भी कर सकता था। तो फाइनली इस प्रकार से इनके जीवन में और भी बहुत सारी महिलाओं के साथ संबंध थे। ये बायोसेक्सुअल थे, यानी कि आदमी और औरतों दोनों के साथ संबंध रखे जाते थे, और इनके हरम में लगभग 1600 महिलाएं हुआ करती थी। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा शासनकाल यहां पर खिलजी का समाप्त होता है। इनके बाद ज्यादा सा कोई स्ट्रॉन्ग रूलर ऐसा नहीं आ पाया जिसने इतिहास में इस अलाउद्दीन खिलजी की तरह अपना नाम कमाया हो, चाहे बुरे में चाहे अच्छे में, ऐसा कोई भी शासक नहीं हुआ। तो इसी पॉइंट पर, इसी नोट पर हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए आगे भविष्य में लाते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।